शंकर भगवान की जय हो। राजा भीष्म राव हो, कलवा नगर हो, लोवागढ़ रो राजा भीष्म जिनने कन्या साथ और एक नो वर नहीं पावे, छह लड़कियां पढ़नावड़ी और एक छोटी छोटी पद्मा नाम की लड़की आर बा 20-22 साल शादी योग्य हुई। बी टेम भी ने पूछो के भाई साहब थे किने बागरा खाओ, छह लड़कियां ने पूछो जन के पिताजी थारे बागरे मिले, दासी दास मोकर चाकर सब ने पूछो के राजा साहब मैं तो थारे बागरे खाऊं। और वह छोटी लड़की भी ने पूछो जन बन के अब मैं तो मारे बागरे खाऊं कि तू मारी लड़की है और मारे राज में रेवे मारे घरे रेवे तू थारे बागरे किया खावे। हरगिज नहीं हो सके, राजा मन चिंता करी और पुत्र नदी नो एक सात लड़कियां ही लड़को एक ही नहीं हो और एक पद्मा छोटी लड़की ही और मेरी चिंता हुई पद्मा भी सलरावरी आ भाकनी रो खाई मोर राजा री में जनाबा पद्मा कहवे पुत्री पद्मा सातवी के पिता सुनबा मेरी चिंता मत कर पिता तुम्हारो कर में मारे सब। लड़की के पिताजी मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है, मारो कर्म है जो हमारे साथ है, आप बेदखल वो आप अपना काम करो। अब राजा ने बहुत बड़ी भारी रीस आ गई और परिवार कुटुंब सगलाई भेड़ा हो चारों बार घेरियो दे दियो और पद्मा ने पूछे अरे पूछे मायर बाप जन्म रावण भाई रे मायर बाप जन्मरा बंधु भाई अर भाग किनी रो खाई राव बिसलरी जाई बार बार तुझको कवा सुन ले पद्म कवार आ पद्मा बिसल रावरी आ भाग किनी रो खाई। अब सगलाई बिन पूछे तो पद्मा तो कहे राज तेज पंडरीत जोत भगवत रे सारे ये राज तेज पंडरीत जोत भगवत रे सारे भगवान की जय हो।
पद्मा के के राज तेज बड़ रीत जोत भगवत रे सारे। अब देखो आपारी कोई लड़की वे अरबी रे कर्म में राजयोग लागुड़ हुए तो बिरु मुकलो करता ही बापरदान बन जाओ बढ़ जाऊंती है सरपंच बन जाओ बने को बने क्योंकि मी गांव में पहला ही कौन घिस जना के राज तेज बड़ रीत जोत भगवत रे सारे अर नहीं है मारा भाग पिताजी थारे लारे जोरे का मस्तक लिखी लिख दीवी महाराज जकी भाग्यरे का लिख और परम पिता परमेश्वर भगवान लिख भेज दिनी मन बांच कोई सके कौन करमरी ले कोई नहीं बांच सके कागज वेज को बांच सके लिख दी महाराज के पद्मा बिसल रावरिया भात आप रोई खाए मोर राजा री में राजा ने री साई राजा जोगी अगन जग जारी उल पीरी डरता रे ओ परसराम में थोड़ी पाले जन जोगी जमराज अग्नि से अलबत डरना भूल चूक महाराज भरोसा पतियन करना राजा हुकुम दियो देखो ये लड़की रा भाग्य देखना है आपने कटरे चार दरवाजा है और चारों दरवाजा माते जाओ सबसे पहले कोई जीव मिले किसी भी प्राणी मिले उस प्राणी को पकड़ लाओ और पद्मारी उसकी शादी कर। अबे जाऊं ताई बन वो घोड़ो मोर मिल गया वही जना के भाई ने आपा मोर ले जिया पापा ना भागी आपा उजिया आ राजा पूछो मिला कोई के सावनी तीजी और सखिया ना उन्हें जाऊंती अब भाई ने तो भाई पनाई जे कोई मर्द ना उन कोई मिलियो दूसरे दिन जावे तो वही घोड़ो हागी मोर अब भी टेम ब्राह्मण बा पकड़ मोर ले गया खे बाईरो कर्म रांगियो तो काई करे पांडियो पाप जे घोड़ो मोर नगर में चून चुके नित्या दरवाजा में बैठता तो पिपरा पकड़ो ये पकड़ ले गया रे मोर राव ने बात सुनाई पकड़ ले गया रे मोर राव ने बात सुनाई ये दुखी भरी सबरे एक ने दायन आई सारो नगर से शंकर भगवान की जय हो। अबे मैं विपुल ब्राह्मण ने कहे पकड़ ले गया रे मोर राव ने बात सुनाई राजा ने जार गई राजा साहब अबे माने सिर्फ एक ओ मिलियो है मोर ओई खोड़ो है तो इने अब आपरी इच्छा वे और आप रो हुकम हुए तो अपा बना सका और नर नाम को तो कोई चीज मिली ही नहीं
राजा के बस आपा तेरे कर्म देखना है। अब पद्मा के देखो मारी एक शर्त, अगर मैं हथेली में चूर्ण लेर खड़ी हूं और वो चुग ले तो मैं ईसा के शादी कर सकूं, और जो दे चुकी हो तो मैं हरगिज नहीं करूंगा। ए बनी मायरी जोड़े हते लिखिया विदाता लेख रती नहीं खाली जावे, जोरे का मस्तक लिखी लिख दीवी महाराज। राजा बिसल यूं केवे अब देव मोर परनाय मोर राजा री। अब इतनी बात कही तो पद्मारी माँ ही बा राजा ने कह राजा इतनी अनिति ना कर। अनिति से जात है राज तेज उर्वन, तीनों ताला दे गया राम के रूपन। दुनिया में एक नंबर हार जकर डंका चालता रावण कने नौ शब्द चोकनी रो राज, और कंस कने कोई कमी कोई, और कौरवा कने देखो सो भाई आज तक कोई हुआ नहीं। जका कने तो बड़ हो जका ने बांगे अविल्या रे ताला लागूड़ा पड़िया। राजा के तने बेटी गणी हाथ लागे तो हागे बुझ, क्योंकि राजा रहने गणी होती तो एक आदि वेत काइंड मार फोड़ो ही हूं। तो अब राजा तो राजा ही वे, तो राजा के आला लीला मांस कटाओ तो तोरण तम बेतया, सम्मेलारी करो तैयारी राज बचन मेरा। आला लीला बांस कटाओ तोरण थंब तैयार, सम्मेलारी करो तैयारी राज बचन में धार। राजा रो कम यो, अब पंडित तो देखेगा अब बेगी चमड़िया बनाओ अपन ही बेगी दही तेल चढ़ियो कन्या तनो तो चमड़िया पेरा का। ब्राह्मण मुख सुयू कवे राजा देव से
हमें राजा पद्मा ने एक बार दोबारे रिक्वेस्ट करे अगर बच्ची है मान ही जवा। अरे कहे राव समझाए सो कन्या बात हमारी बात हमारी। अरे राज तेजरी रेख नहीं कर्मा में थारी। ओं देख लियो राज तेजरी रेख तेरे कर्मा में है नहीं और थारे मुख उंच की मांग ही नहीं बाई चीज दऊं। मुख मांगे जो देवसु मन में धीरज धार मन में नेत चोकर और जकी चीज मांगनी है बा मांग। मुख मांगे जो देवसु मन में धीरज धार राजा मुख सो यूं कहे अब जाओ मोरिया रे लार। मोर राजा री महिमा सुने सबा चित लाए मोर राजा री महिमा। अबे पद्मा के वे पाछे राजा ने कह राजा मैं थारी कन्या हूं और पिता रे सामने कदी नहीं बोलनो थी। आज रो को ने साथ युगा रो लेख बेटी ने पिता रे सामने नहीं बोलनो चाहिए बाकी मारो जिंदगी रो सवाल है। ई वास्ते मन थोड़ो बोलनो पड़े तो पद्मा के है अर बोली पद्म तुम्हारे पिता सुन अर्ज हमारी भगवान की जय हो।
बोली पद्म कमार पिता सुन अर्ज हमारी, अरे क्या मांगू कर आस नीच है बुद्धि तुम्हारी। अब मारे हूँ कई आस कर मांगू थारी इतनी बुद्धि नीच है। पंछी पिता परनाए कह रहे क्या देवे मोई दान, अब पक्षी तू परनावे तू दान देवने की इच्छा करे मारे बट किसी हवेली है जो ले जा बट रा पन्ने तो तू पक्षी मैं भगवान मन मान को भेजी और तू मन पक्षी चून दे दी ई पक्षी रे लारे भेजे यो तो नीच कोई है ही नहीं है दरकार है तने। इतनी बात कही राजा ने बच्चे दूसरो एडी चोट बरबर में लगी। अरे राजा तो राजा पोप मना में क्रोध उपाय हो हाली मुस्ती दास बेकर हुकम लगायो रे जो किवाड़ो इन खंड को तुमसु काडो बार जरा देर नहीं कीजिए आ मेरी तकरार को मेरो हुकम है इन आत्वात मेरी नगरी और मेरी सीमा जकी राज्य की राजधानी है भी उबारे काट दो तत्काल ही मारे सामने खड़ी नहीं रहनी चाहिए। अब निकालो किया कोई काला रे कोई काला रे करा वही मे काली एक दे राजा कहे हो इरा काला तो कपड़ा करा दो और काला ही बैल जुता दो और इन्हें छोड़ने जैनी जो कोई काले ड्रेस आप जो को आपने राजधानी की सीमा है भी उबार काट दो।
पद्मावती बैलगाड़ी में तो लियो मोर ने पार। मात पिता मन खेचियो छोड़ी पिवर लिया। दबे दबे बरिया चिड़क नीरा अबे सिवाड़े लगी सागड़ी तो बैल खड़े ललका। पर हद पहुंची सागड़ी जट जंगल जीव अपा। एकदम सुनसान जंगल हो जट आती नार चिंता शेर भी जंगल में बैलगाड़ी है जिकी छोड़ और वो सागड़ी पाछो आवे। अरे बैल दिवी छटकायो सागड़ी पाछो आवे। पाछो जावे बैल दी सिटकाय नहीं कोई मार्ग बतावे। ना कोई संग में जाए नहीं कोई मार्ग बतावे। पद्मा बैठी बैल गाड़ी में लियो मोर ने पास। मोरी ने काठो पकड़ियो दो घड़ी दिन रहियो पास लोर वन में कीनो बास। अब घंटा दो एक दिन रहियो और पद्मा मोरी ने काठो पकड़ एक सूखे पेड़ के नीचे बैठ गई। रात पड़ी सिर ऊपर सूखे रूख निवार। किन्या निंद्रा बस भई भई मोर निकल गयो ना। अभी बच्चे ने नींद आई और मोरियो तो उड़ गयो। अरे उड़िया रे सारे का जीव मोर जंगल में जावे।
शंकर भगवान की जय हो। उड़िया सारंग जीव मोर जंगल में जावे, बेटा तरवर जाए पाप नहीं बो रति पाप नहीं पल्ले लगावे। वो मोर कई लड़की रो पाप लाग जी, भई अटे ना चिता शेर कोई आई तो पति रो धर्म वे पत्नी री रक्षा करे। अर बोगे मैं इरे मैं किसी तरह रक्षा नहीं कर सकूं। उड़िया सारंग जीव मोर जंगल में जावे, बैठा तरवर जाए पाप नहीं पले लगावे। इन नगरी में पानी पीऊं नहीं अठे चुगो करूं अठे नाए, इलाके में ना मैं पानी पीऊं ना चुगो करूं। मैं बंसी जंगल में राजी तरवर बैठा आर मोर राजा री में। मोरियो तो जा ऐ पूछे कोई ताली बजार बैठ पद्मा ने नहीं।